लगता है बहुत उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए। वैसे हो तुम बड़े बदतमीज, अगर बहाना सोच लिया था तो मुझे भी बता देते, मेरा फोन खुश करवाने की क्या जरूरत। वैसे वो तुम भी सिर्फ कमरे के अंदर ही शेर, क्योंकि अम्मी के सामने तो ऐसी भीगी बिल्ली बननी थी कि समझ ही नहीं आ रही थी बात। सारा दलेरपन कमरे में दिखता तुम्हारा। ठीक है तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है। जब अम्मी से डांट बज गई तुम्हारी तो कम से कम चाय पिला तुम, साथ में पकौड़े हो जाएंगे तो बहुत मजा आता। चाय तो मैं पिला दूंगी लेकिन पकोड़ों के लिए सॉरी, पता है कितना तेल खर्च होता है। अम्मी की जबान कब से बोलना शुरू हो गई? अभी गाड़ी के डेंट की डांट से बची हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पकोड़ों के तेल और बेसन की डांट भी सुनू। तो चलो फिर तुम्हें ढाबे से पकौड़े खिला। कि नहीं, तुम्हारे तो हाइजीन के मसले हैं, बर्गर बच्ची जो होती। ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ चलो। ऐसे गंदे गंदे खड़ चलो, पक्की बात चलो ना, पेट खराब तो नहीं है? चलो। अरे भाई चल रहे हैं, बल्कि आप आए। जल्दी है तुम।